नमस्कार दोस्तों, वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करें हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बारे में है। तो उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं 500 यूनिट्स के अंदर, जिन्हें पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। यानी हम ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो 100% हम कह सकते हैं परीक्षा में आने वाले हैं। उन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। कुछ टॉपिक्स तो सीधे 5-5 नंबर में मिलेंगे आपको, कुछ से न्यूमेरिकल्स भी मिल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स से आप बिल्कुल ना घबराएं, फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि टॉपिक आप तैयार करोगे तो फॉर्मूले तो याद करने ही हैं। और सिर्फ फॉर्मूला लगाने से न्यूमेरिकल हल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थ्योरी लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है, न्यूमेरिकल में टाइम कम लगता है, लेकिन नंबर उतने ही आएंगे। तो सीधी सी बात यही है कि आप सीधे बुक वाले न्यूमेरिकल देख लीजिए, कौन सा न्यूमेरिकल किस टाइप से पूछा गया और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया गया। तो सिर्फ फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि कैसा फॉर्मूला लगेगा, किस तरीके से लगेगा और क्या दिया है, क्या निकालना है। बस हमेशा एमकेएस में निकालना होता है। अगर नहीं पूछा गया कोई, अगर दे रखा है कि सीजीएस में ज्ञात कीजिए, तो सीजीएस में निकालना है, वरना हर न्यूमेरिकल को एमकेएस पत्ते में हमें निकालना होता है। तो न्यूमेरिकल से बेनिफिट होता है हमें, उससे कोई डरने की बात नहीं है। हम न्यूमेरिकल्स को पढ़ते ही नहीं है और हम ज़्यादातर यही होता है कि न्यूमेरिकल करके ही नहीं आते। ठीक है, तो शुरू करते हैं, फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट यूनिट है वो टोटल 12वीं क्लास की यूनिट है। सिर्फ दो टॉपिक ऐसे हैं जो बीएससी लेवल पे अलग हैं, बाकी टोटल 12वीं क्लास वाली फर्स्ट यूनिट के अंदर टॉपिक्स आते हैं फिजिक्स में जो आपने पढ़े हैं। बेसिक स्टैटिक्स की जो हम बात करें, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो टॉपिक, कूलम्ब का नियम, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विभव, ये सब 12वीं के अंदर है। तो मैं एक बात करूंगा चतुर्ध्रुव आघूर्ण की, क्वाड्रेट पोल मोमेंट। ठीक है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण की और उसके कारण विभव, यानी चतुर्ध्रुव आघूर्ण, जैसे हमने द्विध्रुव पढ़ा था, द्विध्रुव में दो होते हैं आवेश, पॉजिटिव एक नेगेटिव, उससे कुछ आर थीटा कोणीय स्थिति पे, अक्षीय पे, निरक्षीय पे हमने विभव ज्ञात किया था, विद्युत क्षेत्र भी ज्ञात किया था, ये सब चीज़ें 12वीं कक्षा में की थी। तो अब हमारा एक यहाँ पे दो ध्रुव और आ जाएंगे, ठीक है, उसे हम कहते हैं चतुर्ध्रुव, यानी चार ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है। उसके कारण किसी बिंदु पे, किसी आर दूर पे कितना पोटेंशियल निकालना है वो बताना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आगे के लिए और बीएससी लेवल के लिए। तो ये 100% आपको मिलेगा पेपर के अंदर, चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन की चिरसंबद त्रिज्या, ये कंपटीशन में बहुत बार आता है और यहाँ भी आपको मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की चिरसंबद त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है और एक समरूप आवेश गोले की में ऊर्जा। ठीक है, ये दो तीन टॉपिक हैं, वो इनको आप बिल्कुल मत छोड़ें और बाकी 12वीं वाला टोटल तैयार करें आप। यूनिट नंबर सेकंड है वो कैपेसिटर पे है। ठीक है, संधारित्र पे दो तीन टॉपिक हैं, बाकी थोड़ा सा अलग है इसके अंदर, बहुत छोटी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। एक दुर्बणता आएगी इसमें, आणविक दुर्बणता हम कह सकते हैं, दुर्बण सदिश आ गया, आणविक दुर्बणता, विद्युत प्रवृत्ति और विस्थापन सदिश, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिनमें आपस में रिलेशन भी है, इन पर न्यूमेरिकल बनेंगे, परिभाषा इनसे मिलेंगी आपको परीक्षा के अंदर। डेढ़ नंबर में आपके जो क्वेश्चन आएंगे इनसे ज़रूर मिलेंगे, इनका जो मात्रक है, इनकी परिभाषाएं हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक लास्ट में है क्लासियस मसोटी इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासियस मसोटी इक्वेशन। हर कंपटीशन की दृष्टि से भी और आपके यहाँ थ्योरेटिकल की दृष्टि से भी क्लासियस मसोटी इक्वेशन 100% आएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है, इसको घुमा के भी दिया जा सकता है या तो सीधा नाम क्लासियस मसोटी इक्वेशन, या हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत प्रवृत्ति और परमाणु ध्रुवणता में संबंध ज्ञात कीजिए, तो वो क्लासियस मसोटी इक्वेशन ही है। एक बात मैं आपको और ये बताना चाहता हूँ कि जो हर चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, कौन से टॉपिक को किस माध्यम से किस तरीके से पूछा गया, घुमा के पूछा जाए या कैसे पूछा जाए, वहाँ हर टाइप के क्वेश्चन है और ज़्यादातर वही क्वेश्चन उठा के पेपर में आते हैं जो पीछे दे रखे हैं। सिर्फ आपको तरीका देखना है कि टॉपिक को किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन में, बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना, टॉपिक वही पढ़ने होते हैं। लेकिन हम कई बार हमें पूछा कुछ और जाता है, हम लिख कुछ और देते हैं, कम लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लिख देते हैं, जितना पूछा जाए उतना लिखें, जो पूछा जाए वही लिखें। ठीक है, यूनिट नंबर थर्ड जो है वो एसी और डीसी के बारे में है। एसी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, डीसी भी ऐसे पढ़ चुके हैं, तो सॉरी 12वीं के अंदर, 12th क्लास के अंदर। तो इसके अंदर जो LRLC सर्किट में धारा वृद्धि, धारा क्षय, ये क्षणिक व्यवहार, ये डीसी के अंदर है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी बात आई एसी की, तो एसी के अंदर जो हमारा आता है कि एक श्रेणी
और समांतर अनुनादी परिपथ है, यानी LCR सर्किट हम बात करेंगे, LR, LC, LCR सर्किट जिसमें तीन होते हैं, उसमें समांतर श्रेणी के अंदर और समांतर के अंदर श्रेणी के अंदर, ठीक है, DC और AC दोनों के लिए, उसके लिए शक्ति गुणांक जो हम कह सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर, गुणता गुणांक, विशेषता गुणांक जिसे कहते हैं, शक्ति, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर आरेख है इनमें थोड़े थोड़े, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत छोड़ें, इनको आप ध्यान से पढ़ें। यूनिट नंबर हम बात करें चार के, तो यूनिट नंबर चार के अंदर टोटल बारहवीं वाला ये हम कह सकते हैं गतिशील आवेश पर बल है, लोरेंज बल है, ये धारा लूप पर, तो इसमें एक कक्षीय कोणीय संवेग है और एक जायरो मैग्नेटिक निष्पत्ति है, और इसमें एक बोर मैग्नेटोन का है, बुक के अंदर हम देख सकते हैं, वैसे बोर मैग्नेटोन वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनकी जो डेरिवेशन करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनको आप ध्यान से देखें, इनको बिल्कुल मत छोड़ें। उसके अलावा जैसे नॉर्मल एम्पियर का नियम हो गया, ब्यू सावर्ट नियम हो गया, उसके लिए ब्यू सावर्ट नियम से अलग पोजीशन पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, ये बारहवीं के अंदर भी है, यहाँ पे भी है, दो चार टॉपिक अलग हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से देखें, बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम कह सकते हैं जो पेपर थर्ड है वो अच्छे नंबर बनाने वाला है, क्योंकि इन चीज़ों को आप बारहवीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो आपके पेपर थे, फर्स्ट पेपर था, सेकेंड पेपर था, वो आपके लिए नया था, ठीक है, तो थर्ड पेपर है वो आपका एक मौका है, इसको ध्यान से देखें, आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि इस पेपर के अंदर आप 70% चीज़ें बारहवीं वाले रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए इस पेपर को ध्यान से पढ़ें, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी अज्ञात करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें हम यूनिट नंबर पाँच की, तो यूनिट नंबर पाँच टोटल प्रैक्टिकली चैप्टर है, जिसमें आपको हर पॉइंट प्रैक्टिकली मिलेगा, यानी वो प्रैक्टिकल है, यानी जैसे CRO है, रैखिक त्वरितर है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है, जितने भी चीज़ें, वो सब एक उपकरण के बारे में बताया गया उसमें, कि इन उपकरण से क्या क्या होता है, कैसे होता है, उनकी संरचना है, उनकी बनावट आएगी, कार्य प्रणाली, सिद्धांत, ऊर्जा, ये सब चीज़ें, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर, आपको चित्र डायग्राम ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डायग्राम के नंबर इंपॉर्टेंट होंगे, और डायग्राम को देख के ही आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए, रैखिक त्वरितर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गन, ये तो नॉर्मल चीज़ें, यहाँ से छोटे प्रश्न बन सकते हैं, रैखिक त्वरितर वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर एक्सीलेटर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कारण ऊर्जा निकालना, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हैं, CRO वेरी इंपॉर्टेंट, फिर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ और साइक्लोट्रॉन, ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन बारहवीं कक्षा के अंदर भी है, सेम टू सेम आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया गया है, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो टोटल थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मेन बातें उसमें से निकाल के आप पेपर में लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, सिर्फ पेज भरने का कोई मतलब नहीं होगा, इंपॉर्टेंट बात आप उसके अंदर लिखते जाएं। फिर इसके अंदर कुछ ई और बी फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे दोनों लंबवत हैं, दोनों समांतर हैं, दोनों एक साथ लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, अकेला विद्युत क्षेत्र, अकेला चुंबक क्षेत्र, ये कुछ अलग अलग कंडीशन पे हैं, इस पर हमने कुछ वीडियो भी बनाए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, अपने वीडियो लिस्ट में जाके चैनल में हम देख सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी आ गया, ये प्रबल्य पथ होगा, और एक बात हम कह दें कि जो अलग अलग कंडीशन है ई और बी क्षेत्र की, उनमें किसी का प्रबल्य पथ है, किसी का आयता सरलरेखीय पथ है, किसी का कुंडलीनुमा है, ये पूछा जाएगा आपको, ये प्रबल्य पथ की समीकरण ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात कीजिए, तो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ से यूनिट पूरी हो जाती है, ये पाँच यूनिट, तो ये पेपर बहुत ही सिंपल है, और अगर आपको इस पूरी पेपर में से जिस भी यूनिट से जो टॉपिक आपको पूछना हो, जिस टॉपिक के बारे में आपको समझना हो, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके आप बताएं कि हमें इस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो देंगे, बिना आपके बताए हमें ये पता नहीं लगेगा कि हमें कौन सी वीडियो बनाएं, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इतने पेपर में आपके पास टाइम कम है, तो इतने कम टाइम में सारी वीडियो उपलब्ध नहीं हो सकती, तो जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है, जो आपको समझ में नहीं आया हो, उस टॉपिक का आप कमेंट करके बताएं, हम इसको आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके, तब तक के लिए धन्यवाद।